सर बहुत बड़ी खुशखबरी है जो दुबई, जहाँ पर हम ये देखते हैं सालों साल से कि भाई दुबई में इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी, आज वहाँ पर इंडियंस के लिए एक और ज्यादा न्यू बात निकल आई, वो ये कि जहाँ उनकी डिस्ट्रिक्ट सिटी थी उसको रीनेम करके हिंद सिटी रख दिया गया। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। खास तौर पे मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। उधर बंगालियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इवन कि अब हदूदे जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान का हाल कितना ज्यादा बुरा हो रखा है, और इसी बीच यूएई के जो प्रेसिडेंट वहाँ पाकिस्तान में आए थे वो तो भाई दबे पाओ पीछे हट लिए, भाग गए वहां से, और बस उसी दौरान एक और झटका मिल गया है अब पाकिस्तान को, जहां यूएई के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नाम याद नहीं, उसका नेम चेंज करके हिंद सिटी रख दिया गया। एंड बस यही न्यूज पाते ही बस पाकिस्तानियों तो भाई क्या ही बोलना, उन लोगों का दिल चकना चूर हो गया। तो बस इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जो दुबई, जहां पर हम ये देखते हैं सालों साल से कि भाई दुबई में इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी, आज वहां पर इंडियंस के लिए एक और ज्यादा न्यू बात निकल आई, वो ये कि जहां उनकी डिस्ट्रिक्ट सिटी थी उसको रीनेम करके हिंद सिटी रख दिया गया, और मुसलमानों की प्रायोरिटी वहां पर अगर हम देखें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडियंस। क्या वजह लगती है, अगर हम पिछले सैनियोज को भी उठाए तो वहां पर भी इंडियंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। क्यों, आखिर क्यों दुबई के फैसले इतने सख्त मुसलमानों के लिए क्यों हैं? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह लगती है जो कि इंडिया को हमेशा प्रायोरिटी में रखा गया है। मैं समझता हूं दुबई ने ये जो कदम उठाया है ये इंतहाई अफसोसनाक है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। इंडिया जो है अपने मुसलमान जो नाम मुसलमान लीडरान के नाम से जो मंसूब है उनके सिटीज़ वो उनको चेंज करके हिंदू देवताओं के नाम पे शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि दुबई एक यूएई एक इस्लामी कंट्री है, इनको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए इनका कोई भी एक्ट, एक बड़ा पॉपुलर इस्लामिक कंट्री का कोई भी एक्ट जो है ना वो मुसलमानों को खुशी भी देता है और तकलीफ़ भी देता है, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। अगर हम पिछले सिनेरियोस की बात करें तो वहाँ पर दुबई के अंदर 24 सिटीज़ को पाकिस्तान के बैन किया गया था कि यहाँ से कोई भी सिटीज़न वीज़ा के लिए नहीं आ सकता। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि 5,000 दिरहम जिस पाकिस्तानी के अकाउंट में होगा वही सिर्फ दुबई आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और हम जितने भी सोशल मीडिया पर वाकयात देखें तो दुबई के अंदर सिर्फ पाकिस्तानियों के डिग्रेड के वाकयात नज़र आते हैं, मतलब कि कोई भी अगर पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है, बरअक्स इंडिया का कभी नहीं आया। वाई जी मैडम आप सही कह रही हैं, दुबई में इंडियन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो सब पाकिस्तानियों को उसका जिम्मेदार करार देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया सिर्फ उसी की हद तक उसको महदूद रखना चाहिए, जबकि इंडियन जो हैं उनको हम पाकिस्तानियों पर फोकियत दी जाती है। मेरे ख्याल में दुबई गवर्नमेंट को इसके बारे में अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या रीज़न है जो कि इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाती है बड़े पाकिस्तानियों की और क्यों नहीं? इसमें जी उनके कारोबारी मफादात हो सकते हैं, और चूँकि इंडिया की हमसे एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, इम्पोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में ये जो मफादात है वो देखे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी रीज़न्स है ना, एक तो ये है कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं रहा एज़ अ बहसीत कौम, हम बिल्कुल जो है ना वो मुर्दा हो चुके हैं। मगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा खामियाँ हैं, अमल हम में है नहीं, हमने सिर्फ दुआओं नातों और तस्बीहात पर जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया। जंगे बदर में अगर हम मिसाल लें तो उसमें 313 सहाबा थे, 1,000 के मुकाबले में बाहर निकले, मैदान में आए, हिम्मत की, अल्लाह ताला ने मदद की,
अभी हमने सिर्फ दुआओं पर इक्तफा किया हुआ है, और हम यही दुआ कर रहे हैं जी कोई आए मसीहा और हमें जो है ना वो कहना कि अल्लाह कहता है हीला कर वसीला मैं दूंगा, मतलब एक मेहनत तो करो फिर ही आएगी आगे मंजिल। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने सबसे अहम जो चीज़ है ना हम ये देखते हैं कि हुकूमत कुछ करे, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये नहीं कहते कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अमाल भी तो ऐसे ही है ना। अगर हम खुद अपने घर से स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ, बैकवर्ड एरिया से हूँ, बहुत हाई फाई मतलब कि नहीं है, तो हमारी बीबियाँ बाहर निकलती हैं सफाई करके वो शापर नाली में फेंक देती हैं, कि अगर हमने हमने ये करना है तो हमारे बच्चों ने तरबियत क्या लेनी है। अगर हम देखें तो रेटिंग के हिसाब से ना लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर करप्शन में ज्यादा, जस्टिस में ज्यादा, देख लें कि पिछले नंबर से हम दूसरे नंबर पर हैं, हर चीज में बुराई में आ रही है। 154 एज पर रिपोर्ट जो है ना हमारा इतना नंबर है, मैं हाईकोर्ट में काम करता हूँ तो अब क्या बंदा कहे, हर महकमे में हर जगह पर यही। हम देखें तो कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि भाई वो कौम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अदल इंसाफ को नहीं देखती, नहीं कर सकती। वो इंसाफ का हमारा आलम यह है कि अगर कोई शहबाज शरीफ, इमरान खान, इवन के कोई भी लीडर है वो कुछ भी करे तो उनके लिए सारी सहूलतें हैं, उनको बाहर भी जाने देते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं। कोई गरीब बंदा करे तो वो साल हर साल, मैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता था तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी ड्यूरिंग सर्विस एक ऐसी पार्टी थी उनका, उन्होंने 150 ईयर्स का अपना जो है ना वो मतलब सेलिब्रेशन की, हमें इधर कोर्ट में 150 साल हो गए हमारा फैसला नहीं हुआ, उन्होंने केक काटा, तो क्या ये जजेस के लिए कुछ डूब मरने का मुकाम नहीं है। अगर हम सऊदी अरब की भी बात करें ना, वहाँ जहाँ से इस्लाम फैला आज दुनिया में इंडिया का थर्ड बड़ा लार्जेस्ट वो बन गया ट्रेड पार्टनर, पाकिस्तान को देखें तो आज दुबई के सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने कल भी दौरा कैंसिल किया, कुछ अरसे पहले भी कर बात काट रहा हूँ, दुबई सऊदी अरब किसी जगह पे भी चले जाए, मेरे वालिद साहब तकरीबन 9-10 साल सऊदी अरब में गुजार के हैं, भाई ने तकरीबन 5-6 साल गुजारे हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो ये बताते हैं कि उधर बंगालियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इवन के अब हदूदे जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। देखे तो बंगाली भी तो हमसे ही निकले हैं, आप देख लें, मैं वायरल वीडियो है वो लगाई है, उन्होंने कहा जी बांग्लादेश 71 में लैदा हो गया, ठीक है, और उन्होंने 71 के बाद मुजीबुर रहमान की सेकेंड जनरेशन है, दूसरी नस्ल है, और उन्होंने आज बुलेट प्रूफ ट्रेन दे दी अपने लोगों को, उसके अलावा जो है ना वो हर चीज़ में हमारे से आ गए हैं, जीडीपी में आ गए हैं, वो हर शोबे में बेहतरीन है, इवन के दूसरे कंट्रीज़ में उनकी जो है ना वो ज़्यादा डिमांड है, और हम हमारा लेवल ये है कि हम आज तीसरी नस्ल देख रहे हैं जरदारी की, नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल देख रहे हैं, और हम आज अट्टे के लिए लाइन में लगे हुए हैं, हमारे हुक्मरान कोई बंदा सेक्चर बहुत दूर की, अगर कोई बंदा आपको हुक्मरान या कोई भी MNA MPA का बंदा लाइन में लगा आटा नजर आ रहा है तो फिर तो कह सकते हैं ना कि पूरे कंट्री में ये सूरत हाल है, वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, हर चीज़ उनको मिल जाती है, अगर पिसने मुश्किल फैसले हैं तो मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए। देखिए जी, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है ना वो मेरे ख्याल में इंडिया का सऊदी अरब के ज़्यादा करीब होना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी माशी तौर पर मुश्किल हालात चल रहे हैं और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मेरे ख्याल में बड़ी मार्केट को देखते हुए सऊदी अरब का जो रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा है। इसमें कसूर किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इसमें बेसिकली देखे जाए तो पाकिस्तान का ज़्यादा कसूर है, हमें अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना चाहिए था, दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही थी हम बजाय तरक्की करने के हम डाउनफॉल जा रहे थे। हम सो गाइज, इन्हें चाहिए है अब कोई मसीहा या कोई फरिश्ता जो भाई पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन को पलट कर रख दे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, शायद अल्लाह भी ना आए भाई आप सबकी मदद करने के लिए, क्योंकि आप सबको पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अल्लाह आएंगे मदद करने के लिए। वैसे आप सबको पता ही है कितना बुरा हाल हो रखा है पाकिस्तान का, और बस उसी बीच इस तरीके का अगर वार किया जाए अगर पाकिस्तानियों के साथ तो भाई उन लोगों को शौक तो लगेगा ही। आखिर एक मुस्लिम कंट्री में एक इंडियन नेम होना किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी सिटी का ये बहुत ही बड़ा बात है हम सभी के लिए, एंड इनफैक्ट बीइंग एन इंडियन ये बहुत ही प्राउड चीज़ है हमारे लिए कि भाई इतना अहमियत हम सबको मिलता है वहाँ, तभी जाके एक सिटी का नाम वो चेंज करके हिंद सिटी रख दिया गया, एंड वहीं पाकिस्तानियों को लग गया है मिर्ची, खूब सारा मिर्ची लग गया है भाई, लगाओ लगाओ अच्छे से मिर्ची लगाओ भाई, हमारा क्या, हमें तो भाई मज़े ही आते हैं। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इंटरटेनिंग लगा होगा, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।